दोस्तों, चीन ने 2017 में अपने एम्बिशियस यूनिवर्स प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि वो वर्ष 2018 में चंद्रमा की दूसरी ओर यानी कि चांद के डार्कर साइड में सैटेलाइट भेजेगा, जहां आज तक कोई नहीं गया। और दोस्तों, चाइना ने ये कर दिखाया है और इसके बाद चांद के डार्कर साइड में सैटेलाइट उतारने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया। चीन चंद्रमा पर रिले सैटेलाइट उतार चुका है, लेकिन अब चंद्रमा की दूसरी ओर जो कि चंद्रमा का डार्कर साइड है और हमें धरती से कभी नहीं नज़र आ सकता, वहाँ पहुँचना चाहता है। चंद्रमा के डार्कर साइड के बारे में जानने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चंद्रमा के डार्कर साइड के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इसके साथ चीन वहाँ पहुँच चुका जहाँ आज तक कोई अन्य देश नहीं पहुँच सका है। उसने अपना रिले सैटेलाइट चंद्रमा के मिस्टीरियस डार्कर साइड के लिए मंडे यानी कि 28 मई 2018 को लॉन्च किया। उनकी योजना के अनुसार उन्हें 3 स्टेप लेना है: सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना, चांद की सतह पर उतारना और लौटाना। इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट को इस तरह सेटअप किया है कि ये सैटेलाइट चंद्रमा के डार्कर साइड पर पहुँचने के बाद भी डायरेक्ट अर्थ से कम्युनिकेट कर सके और वहाँ से प्रूफ सेंड कर सके। दोस्तों, इस रिले सैटेलाइट का नाम है क्यूकियाओ, जो कि 400 किलोग्राम का है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि 3 साल तक उसमें कोई भी इंसान अपने डेली नीड्स को पूरा करते हुए जिंदा रह सके। चाइना ने आज कहा कि रिले सैटेलाइट चंद्रमा के पास सफलतापूर्वक पहुँच चुका है और चंद्रमा के डिज़ायर्ड ऑर्बिट में यानी कि जहां सैटेलाइट को उतरना है वहां प्रवेश करने ही वाला है। अभी अभी बीजिंग के ग्राउंड सेंट्रल कंट्रोल से रिपोर्ट आई है कि उनका सैटेलाइट चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका है और अब वहां से एक ऐसे ऑर्बिट में पहुंच रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुँच सका। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए सैटेलाइट के पास केवल एक ही मौका था, क्योंकि उनका ईंधन खत्म हो रहा था। अब यहाँ से चंद्रमा के हेलो ऑर्बिट, जिसे कि L2 पॉइंट भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने से पहले रिले सैटेलाइट बहुत बार उसके चक्कर लगाएगा, क्योंकि किसी सैटेलाइट को किसी दूसरे प्लैनेट पे उतरने से पहले उस प्लैनेट का निरीक्षण करना ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग वो लैंड करता है, क्योंकि लैंड करने से पहले उस प्लैनेट के सर्कमस्टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हेलो ऑर्बिट एक ऐसा पॉइंट है जहां से सैटेलाइट डायरेक्ट चंद्रमा के डार्क साइड में प्रवेश करेगा। ये पॉइंट पृथ्वी से 4,55,000 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, चाइना ने वो कर दिखाया जो आज तक नासा भी नहीं कर सका, और चांद के इस सफ़र से वो दुनिया का अकेला देश हो जाएगा जिसने चांद के डार्कर साइड पे अपना पहला कदम रखा है। आपको मेरे इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।